कांग्रेस ने वरुण गांधी को दे दिया खुला ऑफर, क्या राहुल वरुण दोनों भाई आएंगे एक साथ? साथ आए तो बीजेपी के लिए हो गया, फिर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट लिया। वरुण गांधी का उत्तर प्रदेश में अपना एक राजनीतिक वर्चस्व है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। सुल्तानपुर पीलीभीत में वरुण गांधी की गजब की लोकप्रियता है। अगर वरुण गांधी कांग्रेस के साथ आए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो सकती है मजबूत। कांग्रेस ने अब खुला ऑफर भी दे दिया। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है, क्या वरुण गांधी कांग्रेस के साथ आएंगे? क्या गांधी परिवार में दशकों पुरानी सियासी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी? क्या राहुल और वरुण एक साथ आ जाएंगे? ये सवाल तब से ही उठ रहा है जब से कांग्रेस ने वरुण गांधी को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी हैं, क्या वरुण राहुल गांधी एक साथ आएंगे? क्या वरुण कांग्रेस के खुले ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? दोनों साथ आए तो बीजेपी के लिए कैसे बन सकते हैं आफत? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे वरुण गांधी? वैसे तो पीलीभीत सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी इस सीट से 6 बार सांसद चुनी गई, तो वहीं वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद चुने गए, यानी कि वह पिछले 10 सालों से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव का टिकट न देकर यहां से जतिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया। वरुण को बीजेपी ने इस चुनाव में दरकिनार क्या किया कि कांग्रेस इस मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस अपना पासा फेंक चुकी है। वरुण गांधी को कांग्रेस ने पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया, जिसके बाद अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी है कि वरुण गांधी का अगला कदम आखिर क्या होगा। गांधी परिवार के बीच खत्म होगी राजनीतिक दुश्मनी, माना जा रहा है। अगर वरुण गांधी कांग्रेस का ऑफर स्वीकार करते हैं तो गांधी परिवार के बीच सालों से जारी सियासी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। चचेरे भाई राहुल गांधी और वरुण गांधी फिर एक बार सियासी तौर पर साथ आएंगे। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा, वरुण को गांधी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। गांधी परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। इसके साथ ही अधीर रंजन ने राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा, वह एक बड़े सुशिक्षित और साफ छवि के राजनेता हैं। हम चाहते हैं वरुण गांधी अब कांग्रेस में शामिल हों। अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी में रहते हुए पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी के बाद लगातार ये सवाल उठने लगे कि क्या वरुण गांधी का बीजेपी से मोह भंग होने लगा है? अब कांग्रेस ज्वाइन करने का खुला ऑफर उनको मिला है। देखना ये होगा वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपने चचेरे भाई राहुल गांधी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वरुण अगर साथ आए तो कांग्रेस यूपी में हो जाएगी मजबूत। वरुण गांधी की लोकप्रियता यूपी में अच्छी खासी है। सुल्तानपुर पीलीभीत में वरुण गांधी भैया जी के नाम से फेमस हैं। अपने शानदार भाषण कला के लिए जाने जाते हैं। उनकी मां जिस समाज से आती हैं, उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है। ऐसे में अगर वरुण गांधी कांग्रेस के साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं नहीं।